बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका। और हम बात कर रहे हैं दद्दू प्रसाद जी से, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इस वक्त हम उनसे चर्चा कर रहे हैं विभिन्न विषयों पर। पिछले एपिसोड में भी आपने उनके विचार जाने और इस एपिसोड में भी हम उनके विचार आप तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात करना आवश्यक है। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। और हम अब सीधे जुड़ेंगे दत्त प्रसाद जी से। तो काशीराम जी ने कहा कि क्या हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हम अपने नुमाइंदे अब नहीं जिता सकते हैं लोकसभा विधानसभा और ग्राम सभा में। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि नहीं, तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। तो अगर हमें सेपरेट इलेक्ट्रोल हम खो चुके हैं तो हम नए रास्ते खोजेंगे। तो नए रास्ते हम अपने नुमाइंदे भेजें लोकसभा में, विधानसभा में, ग्राम सभा में, तो बहुजन समाज बनाना होगा। दलित अवधारणा को ठोकर मारनी होगी। दलित 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 प्रेमी जो कहेंगे ये पक्के ब्राह्मणवादी हैं, क्योंकि दलित एजेंडे पर चल करके और दलित कॉन्सेप्ट पे आप ग्राम सभा भी नहीं जीत सकते हैं। ना केवल दलित वर्ग के लोग बल्कि ओबीसी के लोग भी ग्राम सभा में अपने सच्चे नुमाइंदे जिताने में नाकामयाब हो गए हैं। मैं सुधीर जी, नया रसोद्घाटन आपके सामने, जब ओबीसी की बात करते तो आप भी अचंभित हो रहे होंगे, नहीं दलित वर्ग के ही चमचे सुनते थे हम, नहीं चमचे ओबीसी के निकल के आ गए हैं। इसलिए हम अपने असली नुमाइंदे अगर लोकसभा विधानसभा में भेजने हैं तो बहुजन समाज बनाना होगा। अब ये असली असली नकली का फैसला कैसे होगा? दिक्कत ये तो ये है कि सुनिए सुनिए दद्दू प्रसाद जी, हाँ, समस्या ये है कि जब बाबा साहब के बाद की अगर हम स्थिति देखते हैं तो बहुत सारी पार्टियां उस वक्त भी थी, अगर आरपीआई और तमाम बहुत सारी पार्टियां रही, वो सब ये दावा करते थे कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आज सारी पार्टियां दावा करती है हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं और माननीय कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं। जब सारे ये दावा करते हैं तो यहाँ पर हम असली नकली नेता, वो भी अब जो कि अलग अलग भेष में अलग अलग रूप में आपके बीच आ रहे हैं, तो अब ये पहचान कैसे होगी कि आप सही नुमाइंदे को भेज पाएंगे? ये पहचानना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं नजर आता आपको? सुधीर जी, दुर्घटना हो चुकी है। दुर्घटना हो चुकी है और उसी के कारण हम लोग, आप लोग व्याकुल हैं जी। सबसे जांच पड़ताल, सबसे उत्कृष्ट जांच न्यायिक जांच है और पब्लिक सबसे बड़ी जज है जी। सबसे बड़ा उत्कृष्ट जांच पड़ताल न्यायिक जांच है और जनता जो हमारी है वो सबसे बेहतरीन जज है। नहीं, लेकिन अब तो भावनाओं के आधार पर जजमेंट हो रहा है ना? नहीं, तो जज भावनाओं के साथ जो ज्यादा खिलवाड़ करेगा, भावनाओं का जो ज्यादा नहीं, ये टेम्परेरी फेज है सुधीर जी, हम इस पे घबराए हुए नहीं है, हम पेशेंस के साथ हैं और ये टेम्परेरी फेज हो सकता है भावनाओं की, जो बात आपने कही। पर दलित शोषित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग भी देश में एक लीडरशिप का कम्युनिकेशन गैप है, वैक्यूम खड़ा हो गया है लीडरशिप का। ये ऐसा पिछड़े वर्ग के लोग भी महसूस करते हैं, चूंकि चौधरी चरण सिंह का दौर, देवीलाल का, मुलायम सिंह यादव का, लालू यादव का, शरद पवार का दौर और ये समाप्त हो चुका है, विलोपित हो चुका है। तो ऐसे में आपको मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल यह है कि असली और नकली का भेद कैसा हो। तो जब आपके हितों की बात मुद्दा आ रहा हो तो अगर आप परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करेंगे तो इति सिद्धम कि आप असली हैं नकली हैं। परशुराम तो अपने आप में जो नायक है
काल्पनिक है या वास्तविक है? नहीं तो जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने माननीय कांशीराम साहब की भी तो मूर्ति लगाई और हाँ। फिर उन्होंने उनके नाम पे विद्यापीठ और तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं और तमाम बहुजनों के नायकों के नाम पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी स्थापित की हैं। तो ये पार्ट हो सकता है राजनीति का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सुधीर जी। हम जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसी बात पर। व्यक्ति परिवर्तनशील है इस सृष्टि में, इस प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो जिस समय जो जैसा चाल चलन है, जैसा क्रियाकलाप है, उसकी पहचान हम उस समय के रूप में आंकेंगे। उसका बैकग्राउंड क्या था उससे नहीं आंकेंगे, कम से कम लाइव व्यक्ति के लिए जो जिंदा आदमी है। तो जिंदा आदमी का तो वर्तमान ही आकलन किया जाएगा, पीछे 10 साल पहले वो क्या किया, ये भी तो अभी बहुत सारे रिसर्च इस पे भी होनी है कि मानवर कांशीराम जी सही एक्शन ले रहे थे या कोई और ले रहा था एक्शन, ये भी देखना अभी खोज का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पकड़ में जनता के लोगों के बीच में आया है कि ये कौन लोग हैं जो विष्णु की मूर्ति मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो अपनी मां के हत्यारे, अपनी मां का हत्यारा, 21 बार क्षत्रियों का विनाशक, परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, और ये कतई मूर्ति नहीं लगाएंगे इनकी, ये प्रस्तावक मात्र हैं, ये बेचारे प्रस्तावना दे रहे हैं केवल, जो हमारा असली शोषणकारी ताकतों का नुमाइंदा है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से गरीबों को 10% आरक्षण उन्होंने लागू कर दिया छाती ठोक करके, तो वो परशुराम की भी मूर्ति आपके हाई कोर्ट के सामने लगा डालेंगे। ये बेचारे जो प्रस्तावना दे रहे हैं, ये बेचारे कभी भी परशुराम की मूर्ति लगाने लायक नहीं होंगे। नहीं, मूर्ति की बात भी नहीं हो रही, वो तो अस्पताल की बात, अस्पताल की बात हो रही है। अरे अस्पताल की ही तो बात नहीं कर रहे बेचारे लोग ये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि असली और नकली की बात है, जो असली और नकली, तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे बैठे हुए हैं, पर वो साफ तौर पर नजर आता कठपुतले हैं। जी। जब भी हिलते डुलते हैं तो कठपुतले रस्सियों के इशारों पर ही हिलते डुलते हैं। कभी वो बिहार आम जनता की बात के जहां तक दद्दू प्रसाद जी ठीक है, आप बता चुके वो जो बात आपने बताई कि कठपुतले तो हैं, बिल्कुल सही बात है। आम जनता तो जब बीजेपी आपके लिए भव्य स्मारक बनाती है तो उसका गुणगान करने लगती है। नहीं, गलत कह रहे हैं, आम जनता तो नहीं हम, इसलिए मैं तो आम जनता की, मैंने कहा कि सर्वोच्च जज, सबसे सर्वोत्कृष्ट जज तो पब्लिक है और पब्लिक के ऊपर हमें न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, हमारी न्यायिक जांच हमारी पीपुल्स कोर्ट के ऊपर हम छोड़ते हैं। और निश्चित रूप से अगर पीपुल्स कोर्ट सेटिस्फाई है तो फिर ये व्याकुलता क्यों है, ये छटपटाहट क्यों है, तो ये जो व्याकुलता है ये जाहिर करती है कि पीपुल्स कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। मतलब पिछला जो चुनाव हुआ वो उसे आप गलत मानते हैं? हाँ बिल्कुल, जो पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में पुनः स्थापित, नहीं वो चुनाव ही नहीं है ना, वो तो हिप्नोटाइजम का एक उच्च स्तरीय प्रयोग है, सम्मोहन की कला का। और मैं जानबूझ करके कहना चाहता हूँ कि ईवीएम का दुरुपयोग नहीं है ये, इस मुगालते में ना रहे, एक हम दोबारा गलती कर बैठेंगे, ये ब्रेन टेम्परिंग का दुरुपयोग है जी, हमारे मन मस्तिष्क को सम्मोहन कला से, उच्च स्तरीय सम्मोहन कला, जहां पर के सारे चैनल्स गुलाम बना लिए गए। मैं जानबूझ के गुलाम बनाने का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकना नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि बिकना शब्द, खरीदा जाना शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में है, मैं सचेत होकर के ये शब्द, कोई भी भारत का चैनल इस समय बिका हुआ नहीं है, वो गुलाम है। बिके हुए को तो तब भी बिकने की स्वतंत्रता होती है कम से कम।
पर गुलाम को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। और भारत का जो मीडिया है जी, देखिए मनी माफिया और मीडिया शोषणकारी ताकतों ने स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल किया है। पहले वो मनी का इस्तेमाल किए 1936 के पश्चात, जब बाबा साहब अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के 13 MLA के साथ बंबई असेंबली में प्रवेश कर गए तो वो चौकन्ने हो गए। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर कहा कि वोटों को खरीद लिया जाए, और वोटों को खरीदने के लिए मनी का इस्तेमाल किया। एक स्टेज आगे आई 40 साल बाद, जब लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया मानवर कांशीराम जी के जागृति आंदोलन से प्रभावित होकर के, तो वो माफिया का इस्तेमाल लेकर के आ गए कि अगर तुम वोट बेचोगे नहीं तो हम तुम्हारे वोट लूट लेंगे, बूथ कैप्चर कर लेंगे नंबर 3 पर। फिर जब बूथ कैप्चर का भी हमने चेक कर लिया उसको कि पीपुल्स वॉल खड़ी कर देंगे पोलिंग बूथ के बाहर, जो बूथ कैप्चरिंग की प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी, 250 आदमी 200 आदमी का युद्ध जत्था हमारा हर पोलिंग बूथ पे बैठ जाएगा, जो बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग की प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। और ऐसा हम करने में कहा, तभी तो मैं बंधुआ मजदूर का बेटा 3 बार जीता, नहीं मैं कहा जीत सकता था, जहां पर नारा लगता था कि अगर बटन दबेगी हाथी की तो गोली लगेगी छाती में और लाश मिलेगी घाटी में, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया। तो वहां हम अगर जीत के आ गए तो इसका मतलब कि हम बूथ कैप्चरिंग की प्रोसेस को ब्लॉक करने में कामयाब हो गए। तो फिर 2013 से जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, रामलीला मैदान दिल्ली से, रामलीला मैदान दिल्ली से वो पृष्ठभूमि तैयार की गई 2011 से ही, कि बड़े पैमाने पर यूटिलाइजेशन ऑफ हिप्नोटिज्म प्रोसेस, सम्मोहन की कला का, और चारों तरफ एक ही रिदिम, एक ही लयबद्धता, एक ही रिदिम, तो उसके तहत मतदाता सम्मोहन का शिकार हो गया। बिल्कुल, मैं ईवीएम का रास्ता अभी भी बचा है उनके पास, पर अभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने। और एक व्यूहरचना ये भी हुई, कि जो पिछड़े और दलितों के दंभ भरने वाले दल थे उनके यहां जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को डिलीट कर दिया गया जी, इरेज कर दिया गया, और इरेज करके नया स्लोगन वहां स्थापित कर दिया गया कि जिसके जितनी तैयारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी। फिर उसी को मॉडिफाइड किया गया कि जिसके जितने थैली भारी उसकी और बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी। तो सिंगल वोट मास वोट के बिकवाली हम 1990 आते आते रोकने में उत्तर भारत में कामयाब हो गए। जनता जनार्दन के वोट की बिक्री रोकने में मानवर कांशीराम जी ने कामयाबी हासिल कर ली। पर 2005 के बाद इकट्ठा हुआ वोट बिकने की नई प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यह इकट्ठा हुआ वोट बिकने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया है। अब जनता अपने असली नुमाइंदे जिताकर नहीं भेज पा रही है, इसलिए जनता को बहुत जिस तरीके से सम्मोहन की कला में वो परंगत हैं, तो जगाने वाले जो लोग हैं अवेकनिंग स्क्वाड है, जो अवेकनिंग स्क्वाड को भी मॉडिफाई होना पड़ेगा। वाकई तो इसलिए चूंकि सम्मोहन फैलाने वाले जो लोग हैं, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, वो जब बड़े बड़े हथियार आधुनिक हथियार लेकर के खड़े हो गए हैं, तो फिर जो जगाने वाले लोग हैं, मैं जब हथियार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक सूचना तंत्र है जी, ये अवेकनिंग प्रोसेस नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे अन्य जूम ये सूचना के यंत्र हैं, पर अवेकनिंग यंत्र नहीं है, अवेकनिंग स्क्वाड नहीं है, ये एक माध्यम है। इसलिए हमें जो कैरिकुलम है जो अवेकनिंग स्क्वाड का, मैं उसकी बात कर रहा हूं जी। चूंकि कहीं एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि भाई अब व्हाट्सएप से हम जगाएंगे, फेसबुक से जगाएंगे,
नहीं, जगाने में स्पंदन फीलिंग महत्वपूर्ण पार्ट है जी। स्पंदन के बिना, फीलिंग के बिना और आंखों में आंखें डाल के बात किए बिना आप संवेदना संप्रेषित नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह पर यह भी कहना चाहता हूं कि ज्ञान मात्र जगाने में पर्याप्त नहीं है, जगाने के लिए प्यार का, मोहब्बत का गारा चाहिए, समर्पण का गारा चाहिए, त्याग और बलिदान का इसमें मिलावट चाहिए, तो जागृति का आंदोलन खड़ा होता है। और भ्रामक जो प्रचार है, सम्मोहन की कला को, जिसको काला जादू भी मैं कह सकता हूं, जो सम्मोहन की कला का, उसको हम नाक रगड़ने को निष्प्रभावी साबित करते हैं। तो अभी अभी आपको लगता है कि ये निष्प्रभावी होने की दौर में आ गया है, क्योंकि ये सम्मोहन अब टूट रहा है, जो जो बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हुए लोग हैं या तमाम जगह से निकाल दिए गए लोग हैं, जो जिनकी नौकरियां अब लग नहीं रही हैं, जिनकी छूट गई हैं, और तमाम वो लोग हैं जो अब समझ रहे हैं कि अब स्थितियां खराब हो गई हैं, क्या आपको लगता है सम्मोहन कुछ टूटा है? इसमें बहुत चीज जो है वो जन संवाद, जन संपर्क स्थापित करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, उसमें कबीर और कांसीराम के पास जाना होगा। हम मोदी की शैली में मोदी को परास्त नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मोदी की शैली में मोदी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हमें अगर जन समर्थन हासिल करना है, पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक अवेकनिंग में माहिर होना है, तो हमें कबीर और कांसीराम के पास जाना होगा। अच्छा। तो कबीर और कांसीराम का जो तरीका है कि प्यार मोहब्बत और संवेदना भाईचारा, अकेले ज्ञान इसमें सक्षम नहीं है, संवेदना शून्य ज्ञान, प्यार विहीन प्रेम विहीन ज्ञान, ये खोखला है। तो हम ज्ञान तो बहुत सारा दे रहे हैं पर प्रेम नदारद है, संवेदना शून्य है वो। और यही कारण है कि तमाम अंबेडकराइट देश भर में संवेदना शून्य ज्ञान परोस रहे हैं, और इस कारण से जो अपेक्षित परिणाम है, अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहा है और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मतलब प्रेम तो है लेकिन उसका उसका उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कह सकते हैं। संप्रेषित नहीं हो पा रहा, संप्रेषित नहीं हो पा रहा है। तो जब संप्रेषित नहीं हो पा रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रेम नहीं है, आप संवेदना शून्य है। प्यार का इजहार भी जरूरी है। हाँ जरूर है। तो इसलिए तोड़े हुए लोगों को जोड़ना है। अच्छा। तो ये भर पर्याप्त तो नहीं है कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं। ये भर कहना पर्याप्त तो नहीं है कि हम द्रविड़ियंस हैं, दलित पिछड़े आदिवासी सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, ये कहना पर्याप्त तो नहीं है, बल्कि इसके लिए आंखों में आंखें मिलना, छाती में छाती मिले, और एक दूसरे के साथ चलते हुए, रगड़ते हुए, भूखे रहते हुए, तड़पते हुए, प्यासे रहते हुए भी एक साथ नजर आए हम, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने साइकिलों पर चले। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मानवर कांसीराम जी अगर 1983-84 में कार रैली आयोजित किए होते तो वो काडर को चूज नहीं कर पाते, तो उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली। तो साइकिल यात्रा का एक बड़ा उपयोग है, मजेदार उपयोग है कि जो बूढ़े लोग थे वो उनके साथ छट गए, तो युवा लोग थे जो प्रेम से लबरेज थे, कर गुजरने की तड़पन थी, चाहत थी, तो वो उनके साथ साइकिल में चलते हुए नजर आए और मानवर कांसीराम जी उनको सही तरीके का गाइडेंस दे सके और उससे वो परिणाम लेकर के आ सके। दद्दू प्रसाद जी एक बात बताएं, अब चूंकि हम जान रहे हैं बहुत जगह के परिणाम भी आए हैं, बहुत जगह पे परिवर्तन भी हुए हैं, और एक तरह से देखें तो परिवर्तन तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, चाहे वो हम बुद्ध से लेकर कबीर, कबीर के बाद फिर फूले और बाबा साहब और तमाम शाहू महाराज, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने समय में परिवर्तन करते रहे हैं।
फिर भी परिवर्तन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। तो मतलब यह है कि ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो निश्चित रूप से हम ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। अगर आपके उस सूबे की बात करें जहां पर आप मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में आप मंत्री रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा या स्वर्णिम युग कौन सा रहा है? नहीं, सबसे स्वर्णिम युग अगर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बल प्रदान करने के मामले में कहेंगे, राजनीतिक तो रूप से भी, हाँ राजनीतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बल प्रदान किया गया तो वो 1995 में जून 95 से लेकर 17 अक्टूबर 95 तक का कार्यकाल था, जिसको मानवर कांशीराम जी ने स्टेयरिंग सीट पे बैठ करके कंडक्ट किया। और मानवर कांशीराम जी की पॉलिसी प्रायोरिटी और पॉलिसी प्रायोरिटी और मॉनिटरिंग मुझे वो तत्कालीन आईएएस अफसरों ने बताया कि मॉनिटरिंग भी मानवर कांशीराम जी की होती थी। और 1997 में भी 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक ये कार्यकाल भी 6 महीने का तो मानवर कांशीराम जी के नियंत्रण में था और उनकी प्रायोरिटी पर काम हुआ। पर उसके पश्चात 2002 से 3 की सरकार में या उसके दूसरी और जो सरकारें रहीं तो उसमें भी बहुत इच्छा शक्ति नहीं थी और मानवर कांशीराम जी फिजिकली और साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली कमजोर हो चुके थे, बीमारियों के शिकार भी हो चुके थे, तो इस कारण से वो नहीं देखने को मिला। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की मायने में अगर देखें, दलित पिछड़ों को कंटेंटमेंट देने वाली बात, अगर संतुष्टि देने वाली बात अगर देखें, तो 2007 से 12 में जिसमें मैं कैबिनेट मंत्री था वो हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि मानवर कांशीराम संचालक हमारे डायरेक्टर वो जा चुके थे और विदा हो चुके थे हमारे बीच से। तो इसलिए ये हमें एजेंडे की जहां तक बात है तो सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे पर मैं कहना चाहूंगा मानवर कांशीराम जी ने एक बड़ा काम किया भारत। आपने मतलब आप समझते हैं कि आपका जो कार्यकाल था जो उस वक्त मतलब सही ढंग से नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसमें कंडक्टर कोई और आ गए थे और कांशीराम जी तो जीवन से ही विदा हो गए थे, वो थे ही नहीं जिंदा। तो कम से कम बुजुर्ग आदमी जब परिवार में जिंदा रहता है तो उसकी बात ना भी लड़के सुने तो घर को शराब खाना नहीं बनाया जाता है, तब भी बुजुर्ग की मर्यादा होती है और मधुशाला में ही जाकर के शराब का सेवन करके घर में फिर चोरी छुपे आके रजाई में सो जाया जाता है। पर जब काम पुरखा नहीं है घर पे तो फिर घर ही मैखाना बन गया, घर ही मैखाना बन गया, सारी चीजें पूरा खुला खुला होने लगी। तो इस कारण से वो 2007 से 12 का जो दौर था, तो इसलिए मैं कैटेगराइजेशन अगर बसपा की सरकारों के मामले में आप पूछना चाहेंगे तो जो 1995 की सरकार थी एक्सीलेंट गवर्नमेंट, और 1997 की सरकार बेस्ट गवर्नमेंट थी, और फिर 2002-03 की सरकार तो बेटर थी, और 2007 से 12 की सरकार तो भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, भ्रष्ट खराब से खराब, तो मैं भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं इसको, क्योंकि भ्रष्टाचार के मायने कुछ और भी हैं अलग जी, तो इसलिए भ्रष्ट बहुजन एजेंडा लागू करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सरकार थी जी। बहुत सारे विषयों पर आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेनी है और बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा होनी बाकी है। दर्शकों हमारे साथ बने रहेंगे। दद्दू प्रसाद जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएं, वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। बने रहें हमारे साथ, बहुत जल्दी लौटेंगे।